नमस्कार, मैं पंकज प्रसन्न। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार अगला लोकसभा चुनाव यूपी से लड़ सकते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि फूलपुर या मिर्ज़ापुर, जहां कुर्मियों की बड़ी आबादी है, वहां से नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं और वहां आने का न्योता भी है इनको। अगर ऐसा हुआ तो फूलपुर वही सीट है जहाँ से जवाहरलाल नेहरू चुनकर लोकसभा में जाते थे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि दुबई, कुवैत और सऊदी अरब में प्रवेश के लिए भारतीय मुसलमानों को अब PCC दिखाना होगा, यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। वो तीनों मुस्लिम देश हैं और ये नियम भारत के सिर्फ मुसलमानों के लिए है। तो उन देशों ने ऐसा फैसला क्यों किया, ये क्या सोचने वाली बात नहीं है? तीसरी बड़ी खबर यह है कि केरल BJP के चीफ हैं के सुरेंद्रन। उन्होंने आज एक अजीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चाहे गोवा हो या नॉर्थ ईस्ट हो या पुडुचेरी हो, हर जगह का क्रिश्चियन समुदाय BJP का सपोर्टर है और केरला में अगर BJP जैसे जैसे मजबूत होता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ के क्रिश्चियन और हिंदुओं के बीच एकता बढ़ती जाएगी और ये इस राज्य की खुशहाली के लिए अच्छा है। ये के सुरेंद्रन जी ने कहा है। अब लौटते हैं अपने मूल विषय की ओर। झारखंड की बात करें तो यहाँ इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा 1932 के खतियान की हो रही है। सोशल मीडिया की बात करें, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। हमने BJP के बारे में बताया क्या सोचती है, JMM के बारे में बताया कि क्या सोचती है, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा है कि कांग्रेस क्या सोचती है। कांग्रेस सत्ता में साझेदार है। वो जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक या दो बयानों में इस बात का जिक्र जरूर किया है कि वो या उनकी पार्टी 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का समर्थन करती है, लेकिन लगातार जो हमारी जानकारी है, कांग्रेस में इसे लेकर सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस के कई विधायक, या यूं कहें कि कुछ विधायकों को छोड़ दें तो लगभग हर विधायक 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का विरोधी है। कुछ खुलकर आ रहे हैं तो कुछ दबी जुबान में चर्चा कर रहे हैं। आप कांग्रेस के नेताओं के पास जाइए, विधायकों के पास जाइए, OBC आरक्षण पे वो खुलकर बोलेंगे, लेकिन जैसे ही 1932 के खतियान वाले बात पर आप आ जाएंगे, या तो आपके सवालों को वो अवॉइड करते हैं या फिर चुपके से कैमरा ऑफ होने पर अकेले में बताते हैं कि हम तो इसके विरोधी हैं, लेकिन क्या करें, हम सरकार में हैं, सत्ता में रहना है, आलाकमान का निर्देश है, इसलिए हम चुपचाप हैं। अब बताइए, ये झारखंड कांग्रेस की ये स्थिति है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों की राय को लगातार महत्व नहीं दिया जा रहा है। अब पता नहीं, ये तो कांग्रेस के चलाने वालों को सोचना है कि क्या करेंगे, क्या वो अपने कोर वोटर्स को नाराज करके, अपने वर्तमान विधायकों को नाराज करके सिर्फ सत्ता में साझेदार रहें, या सिर्फ BJP को सत्ता में न आने देने के लिए ही वो चुप हैं, खामोश हैं। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी सिर्फ ये हो सकती है कि फलाने को सत्ता में न आने देना है, या फिर अपनी भी कुछ आइडियोलॉजी होती है? तो कांग्रेस बताए कि 1932 के खतियान पर वो कांग्रेस की का क्या कहना है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है। उम्मीद है कांग्रेस के नेता खुलकर बोलेंगे, ऐसे चुपके से अकेले में फ़ोन करके किनारे बुलाकर बोलने से तो कुछ नहीं होने वाला। नमस्कार।